पब्लिक एशिया में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच में हैं एडीजीपी प्रेम प्रकाश जी, जो उत्तर प्रदेश में तेज तरार अधिकारी के नाम से जाने जाते हैं। सर, आपका पहले तो पब्लिक एशिया में स्वागत है। जी नमस्कार, धन्यवाद। दूसरा सर, मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे माननीय मुख्यमंत्री ने आदेश कर रखे हैं कि पब्लिक और पुलिस में एक ऐसा तालमेल होना चाहिए जिससे दोनों में एक आपस का संयम बना रहे, उसके बारे में आपका क्या कहना है? पुलिस व पब्लिक के बीच में मधुर संबंध होने आवश्यक है, समन्वय बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। जो भी सरकार की योजनाएं हैं, जो पॉलिसीज हैं, उनके बारे में प्रॉपर जानकारी जनता को दें। जैसे पुलिस की तरफ से कई सारी सेवाएं, जैसे यूपी 112, 1090, उसके बाद हमारी ट्विटर सेवा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सभी जगह उपलब्ध था। इसके बारे में जानकारी देनी आवश्यक है जिससे कि कोई कम्युनिकेशन गैप ना रहे। अगर कोई पीड़ित व्यक्ति है या कहीं भी किसी को अपनी बात कहनी है तो वह अपनी बात सोशल मीडिया या सीधे मिलकर या अधिकारियों के पास अपना पत्र भेजकर कर सकता है। इससे जनता और पुलिस की जो दूरी है वो कम होगी। सर, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर आपका क्या कहना है और क्या संदेश है कि कानून व्यवस्था के लिए? उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति में गुणात्मक सुधार आया है। महिलाओं की सुरक्षा टॉप प्रायोरिटी है, जिसमें हम सभी स्थानों पर एंटी रोमियो दलों को ऐसी जगह भेजते हैं जहां छेड़छाड़ की घटनाएं विगत समय में रिपोर्ट होती रही हैं और उन्होंने बहुत अच्छे परिणाम दिए हैं। इसमें छेड़छाड़ की घटनाओं में काफ़ी कमी आई है। उसके साथ ही जो महिला संबंधी अपराध है उसमें भी त्वरित कार्रवाई के कारण महिला संबंधी अपराध में भी रजिस्ट्रेशन में अब कमी आने लगी है। उसके साथ ही अन्य जितने भी मेजर हेड्स हैं, चाहे डकैती, लूट, हत्या, सभी अपराधों में गिरावट आई है। इसलिए मैं कहूँगा कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अभी बहुत ही अच्छी है और उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से इस प्रकार का माहौल है जो पहले कभी नहीं रहा।